samanta cakkavalesu atra gacchantu devata sadamam muni rajasya sunantu sagga mokkhadam dhamma savana kalo ayam bhadanta dhamma savana kalo ayam bhadanta dhamma savana kalo ayam bhadanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa mahakarune tathagat bhagavan buddha धम्मा और संघ को प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ उपस्थित हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं, आज विशेष दिन है। आज के दिन में धम्म चक्र अनुप्रवर्तन की बात आ रहा है। आप लोगों को बता दूं ये धम्म चक्र क्या है। धम्म धम्म हुआ, चक्र ये क्या बोलते हैं, पांगरा, व्हील, व्हील को क्या कहते हैं, चक्र, है ना। धम्म के चक्र को आगे बढ़ाना ही धम्म चक्र प्रवर्तन होता है। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद सारनाथ के ऋषि पतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों के सामने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। देखने में सामने पांच ऋषि ही थे, पंचभद्र वर्गीय ही थे, मगर कहते हैं ये धम्म चक्र पूरे चक्रवाल से लेके देव ब्रह्मलोक तक गुंजायमान हुआ था। हमारे बौद्ध जगत में धम्म चक्र एक ही बार हुआ है, वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, ये याद रखिएगा। तो बुद्ध ने जिस धम्म को दिया, जिस धम्म का चक्र प्रवर्तन किया, उसी धम्म को बार बार फिर से प्रवर्तन किया गया, इसे धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कहा गया। तो आज के दिन में देखा जाए तो जिस भारतवर्ष में भगवान बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया, लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान से अवगत करा के दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित करा गया, तो उस भारत वर्ष में एक समय ऐसा भी आया कि पूरे के पूरे धम्म का नाम निशान मिट गया, जो बौद्ध धम्म है मिट गया। तो ऐसे समय में बौद्ध राष्ट्र श्रीलंका से फिर से यहाँ धम्म का जागरण हुआ। तो श्रीलंका में धम्म जो रक्षा किया, इसका मूल श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। तो आज के दिन हम सम्राट अशोक विजयादशमी के रूप में भी मानते हैं। तो इसका कारण भी क्या है कि आज के दिन सम्राट अशोक ने हिंसा, जितना भी लड़ाई, उनसे अलग होके अपने आप में जो विजय प्राप्त किया, उसी दिन के रूप में ये विजयादशमी हमारे बौद्ध जगत में माना जाता है। देखा जाए तो सम्राट अशोक
भगवान बुद्ध के 200-400 बरस बाद के राधा है। तो वो राधा बनने के लिए अपने 999 अपने भाइयों को मार के सम्राट बन गया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद अपने राज्य को विस्तार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए कितने राज्यों को बर्बाद किया, कितने राज्यों में तहलका मचा दिया, कितने राज्यों के लोग को मार दिया, अपने जीत पे जीत अपने राज्यों में छोटे छोटे राज्य मिलाता गया। समय ऐसा भी आया जब कलिंग देश से युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जो लड़ाई में मर रहे, मरने के लिए तैयार हो रहे या घायल होके पीड़ा से कराते चिल्लाते लोगों को देखकर उनमें बड़ा किरदार होता, अरे लोग इतना दुख डर झेल रहा है, बड़ा क्यों हो गया, निराश हो गया। तो ऐसे में दरबार में निराश होके बैठ रहे थे कि दूर से देखा एक छोटे से प्रभाजित पंते, सिर्फ 7 साल का, जिसे निग्रोध श्रामनेर कहते हैं, शांत से हाथ में काला पात्र लेके शांत से जा रहे थे। तो वो देखकर राधा को बड़ा आनंद लगा, अरे इतना सा छोटा चीवर पहन के प्रवचित होके शांत से जा रहे, बड़ा आनंद आया कि ऐसा लगा कि उनको मिलना चाहिए। जल्दी से दूत को भेजा, जाओ उस श्रमण को बुला के लाओ। दूत ने खबर पहुंचा दिया, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है, शांत से दरबार की तरफ चला। राजा छटपटाने लगा, कब आएगा, कब पहुंचेगा, कब मिलने को मिलेगा। फिर से दूसरा दूत भेजा, राजा ने बुलाया है कह के भागा, भागा नहीं गया। निग्रोध सामने अपने ही चाल से अपने ही तरीके से शांत से चला गया। 3 बार तक बुलाने भेजा, तब जाके दरबार पहुंचा। कहते हैं कि आपके योग्य जगह पे आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। कहा तो देखा सबसे ऊंचा सबसे अच्छा आसन राजा का था, वहीं बैठ गया। तो राजा बोलते हैं, मैं अशोक, मेरे नाम सुन के ही लोग कांपते हैं, भयभीत होते हैं। ये छोटा सा श्रमण मेरे सामने है, मेरे आसन पे बैठ रहे, फिर भी न डर है, न त्रास है, न भय है, कुछ भी नहीं है, शांत रूप से बैठे। आश्चर्य होके पूछते हैं, आपके गुरु कौन है, आपका धम्म क्या है। तो वो बोलते हैं, मैं अभी अभी प्रवचित हुआ नवक नया श्रामनेर हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मगर हमारे गुरु तथागत बुद्ध है, वो कहते हैं लड़ाई में हजारों लोगों को मार के जीत हासिल करने से अच्छा है अपने आप को जीतना, अपने आप को जीतना ही सही मायने में जीत है। ये सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया, अरे हाँ, मैंने इतने लोगों को मारा, इतने राज्यों में जीत हासिल किया, मुझे कभी शांति नहीं मिला, कभी संतुष्टि नहीं मिला, कभी आनंद नहीं मिला, मैंने अपने आप को कभी जीता ही नहीं, ये ठीक है। तो तब से उसने कि बुद्ध धम्म में झुकाव डाला, बुद्ध धम्म के प्रति आकर्षित हुआ और उसके बाद उस समय के प्रकांड विद्वान अरहत हो चुके मौगली पुत्र तिस्स करके एक अरहत भिक्षु थे, उनके पास गया,
तम का उपदेश सुना, प्रभावित हुआ और तब जाके आज से मैं किसी भी प्रकार के हाथ हथियार नहीं छूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा करके शस्त्र अस्त्र परित्याग करके अपने आप को हिंसा से विजय प्राप्त किया सम्राट अशोक ने आज के दिन। तो उसके बाद तो उन्होंने इतना धम्म का प्रचार प्रसार किया, तीसरा बौद्ध संगायना किया, उसके बाद देश देशांतर में धम्म दूत मंडल भेज के धम्म का प्रचार प्रसार किया। कहते हैं 84,000 नगरों में 84,000 विहार बनवाया, 84,000 चैत्य बनवाया। हम एक विहार बनाने के लिए एक अकेला आदमी बना नहीं सकता, कितने लोग कलेक्शन करके बनाते हैं, कितने लोग मिलके एक विहार बनाते हैं। आज के समय में एक चैत्य बना लो तो कितना करोड़ों जैसा खर्च होता है। सम्राट अशोक ने 84,000 नगरों में 84,000 विहार और चैत्य बनाया और चैत्य में भगवान बुद्ध का अस्थि धातु को प्रतिस्थापित करवाया। इतना करने के बाद भगवान बुद्ध वो पंते से पूछने जाते हैं, पंते क्या मैं तम्म का अंशियार हो गया, क्या मैं तम्म दायात बन गया? पंते कहते हैं नहीं, अभी तक तुम तम्म दायात नहीं बना। राजा बोलते अरे मैंने इतना विहार बनवाया, इतना चैत्य बनवाया, इतना तम्म का प्रचार प्रसार करवाया, क्या फिर भी मैं तम्म का अंशियार नहीं बना, तम्म दायात नहीं बना? ये कैसे हो सकता है? इतना विहार किसने बनाया है अभी तक, इतना चैत्य किसने बनाया? किसी ने नहीं। मैंने इतना प्रचार प्रसार किया, मैं क्यों तमदायात नहीं हुआ? तमदायात बनने के लिए क्या करना होता है? तब पंते बोलते हैं तमदायात बनने के लिए, तम का अंशियार होने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े बेटा या बेटी को शासन में त्याग करना पड़ेगा, मतलब पंते भिक्खु या भिक्खुनी बनाना पड़ेगा, बुद्ध शासन में दान देना पड़ेगा, तब जाके तम दायाद हो सकता है। तो राजा निराश हो गया, अरे मैं जीवन में कभी तम दायाद नहीं बन पाऊंगा, मैं राजा हूँ, अपने बेटे महेंद्र जो भविष्य में राजा बनने वाले हैं, जाओ तुम संन्यास हो, ऐसा कह पाएगा क्या? नहीं। अपने पुत्री संगमित्रा का तो शादी भी हो चुका है, मैं कैसे तमदायक बनूंगा? निराश होके दरबार में बैठा था कि महेंद्र राजकुमार आया, पूछा पिता महाराज क्या हुआ, क्यों निराश हो? तो राजा ने अपने मन की बात बोला, तो महेंद्र भी बड़े प्रसन्न होके बोलते हैं पिता महाराज अगर आप अनुमति देते हो तो मैं संन्यास बनने के लिए तैयार हूँ, मैं भिक्खु बनने के लिए तैयार हूँ। राजा कहते हैं अगर तुम्हें बनना है तो जाओ, बड़ी अच्छी बात है। तो महेंद्र राजकुमार भिक्षु बना, ज्ञान का अभ्यास किया, अर्हत हो गया। बाद में संगमित्रा जी भी भिक्खुनी बना, वो भी अर्हत हो गई। और तम प्रचार प्रसार के क्रम में लंका द्वीप में सबसे पहले तम को ले जाने वाला ही यही महेंद्र पंते थे। अभी महाराष्ट्र में हम जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं ना,
उसी तरह श्रीलंका में महेंद्र पांडे को मानते हैं, इतना मानते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। कहते हैं श्रीलंका में सबसे पहले महेंद्र पांडे ने पांव रखा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में वहाँ इतना धूमधाम से बौद्ध त्यौहार मनाया जाता है। और कहते हैं महेंद्र पांडे ने सबसे पहले श्रीलंका के अनुराधपुर उस इलाके में मिहिंतले करके एक जगह है वहाँ पांव रखा था, तो उस जगह को इतना मानते हैं, इतना लाखों लोग वहाँ लाइन लगा के पूजा करने जाते। तो बाद में संघमित्रा जो सम्राट अशोक की बेटी थी वो भिक्षुणी बन के अर्हत बन गई, उसने बोधि वृक्ष को श्रीलंका में ले गई अनुराधपुर में, जो लगाया अब तक वो है 2200 साल पुराना बोधि वृक्ष अब तक श्रीलंका में। तो संघमित्रा जाने के बाद वहाँ भिक्षुणी भी बनाया, राजकुमारी से लेके बड़े बड़े घराने के लड़की बहुत सारे लोग भी भिक्षुणी बना, वहाँ भिक्षुणी भी हो गया, भिक्षु शासन भी हो गया। जब यहाँ ताम्म लोप हो गया फिर से वहाँ से ताम्म का प्रचार प्रसार हो गया। तो जैसा भी हो सम्राट अशोक ने हिंसा को त्याग के अपने आप में जो विजय किया वो विजयादशमी के रूप में माना जाता है। और दूसरा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ने धम्म का दीक्षा लिया और लाखों लोगों को नागपुर के दीक्षा भूमि में दीक्षा दिया, 22 प्रतिज्ञा दिया कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे लोगों को धम्म के बारे में जानकारी चाहिए कि जो जैसे लगा है उससे अलग हो के तम का आचरण चाहिए, तम का दीक्षा चाहिए। तो बाबा साहब ने तम का दीक्षा दिया आज के दिन में, इसलिए भी यहाँ फिर से तम के लिए चक्र घुमाया, तम के दीक्षा दिया लोगों को, तो इसलिए तम तक अनुप्रवर्तन दिन के रूप में भी आज के दिन को माना जाता है। देखिए हम जितने लोग हैं हमने अच्छा कर्म भी किया होगा, बुरा कर्म भी किया होगा। कर्म का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है चाहे शरीर से कुछ करें, चाहे वचन वाणी से कुछ बोले, चाहे मन से कुछ सोचे, ये काम होता है, कर्म बनता है। और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही परिणाम मिलता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही मिलता है। तो निश्चित है हमने अच्छा कर्म भी किया होगा, बुरा कर्म भी किया होगा। पहले भी हमने अच्छा कर्म भी किया होगा, बुरा कर्म भी किया होगा। तो बात ऐसा है अगर हम इस समय में अगर अच्छा करने की चेतना ले, अच्छा करने के अधिष्ठान कर ले, तो हमारा पहले से किया हुआ अच्छे अच्छे कर्म भी संग्रह हो जाएगा और बड़ा शक्ति प्राप्त होगा। अगर नहीं बुरा कर्म करने की इच्छा करे, बुरा कर्म करने की चाहना रखे, अभ्यास करें, तो कहाँ से किया हुआ बुरे कर्म सब इकट्ठा हो जाएगा और बुरे कर्म में साथ देगा। अच्छा कर्म करें तो भी हम सफल हो सकता है, बुरा कर्म करें तो भी हम सफल हो सकता है। शील पालन करें, हम शील पालन करके शीलवान बन सकता है। अगर हम किसी को मारने के अभ्यास करें तो किसी को अच्छी तरह से मारने में भी वो सफल हो सकता है। अच्छा करके अच्छा बनना है, बुरा करके बुरा बनना है, ये हमारी हाथों में।
और एक बार तम का उपदेश इसलिए भी हमें चाहिए, तम का प्रवर्तन बार बार इसलिए भी होना जरूरी है, कब कहाँ किस मोड़ पे वो तम के ज्ञान हम में आ जाए, हम बोध हो जाए और हमारा सारा जीवन अच्छे मार्ग पे चले। सम्राट अशोक को देखो, जिसने अपने 900 भाइयों को मार के खुद राजा बना, राज्य जीतने के क्रम में हजारों लाखों लोगों को मारा, वो चंदा अशोक बन गया। तो ऐसे भी छोटे से निग्रोध सामने से छोटा सा बुद्ध वचन सुन के प्रभावित हो गया, फिर जाके पांडे के पास जाके तम के बारे में जानकारी प्राप्त करके वो तम अशोक बन गया। आप लोगों ने अनाथ पिंडिक महाजन का सुना है क्या? वो अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले, वहाँ से कितने किलोमीटर दूर राजगृह मगध के राजधानी, वहाँ भगवान बुद्ध रह रहा था। कहाँ कहाँ से अनाथ पिंडिक महाजन राजगृह पहुँचा, बुद्ध का उपदेश सुना, उपदेश सुनने के बाद इतना प्रभावित हो गया, अच्छी तरह से उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल ज्ञान तक प्राप्त हुआ और उसके बाद इतना अच्छा धम्म हमारे गांव में भी ले जाना है, हमारे नगरों में भी ले जाना है, तो सोचते हैं बुद्ध को वहां कैसे बुलाए। अगर मैं एक रहने की निवास, बुद्ध के रहने के निवास या विहार बना लूं तो भगवान बुद्ध आ जाएगा। तो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है, ओ भगवान, मैं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को विहार दान देना चाहता हूँ, कृपया करके आप हमारे नगर श्रावस्ती में आ जाए। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। तो वहाँ से लौटते समय विहार दान देना है, कहाँ दान दूँ, कैसे दान दूँ, सोते सोते आते हैं और श्रावस्ती नगर से थोड़े दूर में एक बगीचा देखता है, जेत राजकुमार का बगीचा, इतना सुंदर उतना अच्छा, को देखकर सोचता है कि यही विहार बना सकता है, पर जमीन तो अपना है नहीं, राजकुमार का है। तो वो जाते हैं राजकुमार से, हे राजकुमार, वो जमीन मुझे चाहिए, वो बगीचा मुझे चाहिए, मैं वो खरीदना चाहता हूँ। राजकुमार बोलते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं क्यों बेचूँ, मैं नहीं बेच सकता। महाजन बोलते हैं, ऐसा ना कहो, मुझे जैसे भी वो जमीन चाहिए, जितने भी कीमत हो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, वो ज़मीन मुझे चाहिए। बार बार चाहिए 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 कहा। तो राजकुमार सोचते हैं, ये महाजन ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, मत्ती की भाव को सोने के भाव बोलूँगा तो ये अपने आप भाग जाएगा, ऐसा सोच के राजकुमार बोलते हैं, हे महाजन, अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो जितना ज़मीन चाहिए उतना ज़मीन में सोना बिछा दो, वो तुम्हारा। मत्ती के भाव सोने के भाव में बता रहा है। राजकुमार ने सोचा था इतना महंगा बोलेगा तो महाजन अपने आप भाग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अनाथ पिंडिक महाजन इतना खुश हुआ, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वो घर में जाते हैं, सोना भर भर के लाते हैं, पूरा जमीन पे बिछाना शुरू करते हैं। राजकुमार आश्चर्य हो गया, अरे इतना भाव देने के लिए ये क्यों तैयार हो गया, क्या है राज, क्या है? तो उन्होंने गुप्तचर भेजा, मालूम किया, पता चला
कि वो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए विहार दान देना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तब उन्होंने जितना जमीन में सोना बिछाया बाकी सब जमीन अपनी तरफ से दान दिया और राज दरबार की तरफ से एक संघ आराम बना के भी दान दिया और बगीचे में जितने भी दुर्लभ वनस्पति वृक्ष वो सब भी दान में दे दिया। अनाथ पिंडिक महाचंद ने उन समय 54 करोड़ खर्चा करके जैतवन विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। ये विहार भगवान बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया। भगवान बुद्ध यहाँ वहाँ धम्म प्रचार के लिए जाते थे, फिर वहीं पहुँचते थे। दिशा विदिशा से कोई भिक्षुनी कोई उपासिका अगर बुद्ध को मिलना हो तो वो लोग श्रावस्ती के जैतवन विहार के तरफ जाते थे, केंद्र बिंदु बनाया। उन समय टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, अगर मोबाइल होता तो वो भगवान आप कहाँ है हम वहीं आते ऐसा कह सकते थे, नहीं था तो कहाँ जाए, श्रावस्ती के जैतवन विहार। तो ये जो अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्तिका से कहाँ राजगृह नगर में जाकर बुद्ध से मिला, इतना पुण्य इतना धर्म करने का अवसर मिला। इसलिए कब कहाँ कैसे धर्म का बोध हो जाए, उसका समूचा जीवन अच्छा हो जाए, ये हम सोच भी नहीं सकते। कृष्णा गौतम जो अपने मरे हुए बच्चे को पकड़ के, ये मेरे बच्चे मरे नहीं है सोया है मैं अभी इसे जगा लूंगा, ऐसा कह के जहाँ जहाँ बैठे है वहाँ जाके मेरे बेटे को उठा दो ये सोया हुआ है ऐसा कह, मगर बैठे लोग हार्ट के जो पल्स को देखते हैं नब्ज देखते हैं, अरे इसकी धड़कन तो बंद है ये तो मर गया है, जो मरा है वो जिंदा नहीं होता, वो फिर से उठ नहीं सकेगा, ये मर चुका है, ऐसा कहते तो कृष्णा गौतमी बोलती अरे अगर तुम इसे उठा नहीं सकते तो उठा नहीं सकते ऐसा कहो, मगर मेरे बेटे मरा नहीं है सोया है मैं उठाऊंगा, उसे लेके फिर दूसरे बैठे के पास, वहाँ से फिर दूसरे बैठे के पास, पगली जैसे पागल जैसे इधर उधर भटकते भटकते रही वो कृष्णा गौतम। बाद में भगवान बुद्ध के पास पहुँचती, भगवान बुद्ध के चरणों में अपने बेटे को रखती, वो भगवान आप तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को उठा दीजिए। सब कहते हैं मेरे बेटे मर गया, मगर मेरे बेटे मरा नहीं है सोया है, कृपया आप उठाइए। बुद्ध महाकार सर्वज्ञ जिसे सब मालूम है, तो भगवान बुद्ध का विशेषता है किस व्यक्ति को किस तरह समझाने से वो समझ जाता है, बुद्ध को बराबर मालूम है, इसलिए भगवान बुद्ध उसी तरह उपदेश देते हैं। इसलिए ये धम्म में देखा जाए तो एक ही धम्म एक जगह पे एक तरह आता है, दूसरे जगह पे दूसरे तरह आता है, तीसरे जगह पे तीसरी तरह आता है, ऐसा होना जायज भी है, कोई ना समझ हो उसे उदाहरण दे दे के समझाना होता है, कोई समझदार हो तो उसे सारांश में भी समझाए वो समझ जाता है। तो भगवान बुद्ध ऐसे में उपाय कौशल्य कि किस तरह समझाना है वो उपाय करता है,
जैसे बुद्ध को भी मालूम है वो बच्चे मर गया है, और ये भी मालूम है जो मर गया है वो फिर से जी नहीं सकता, जिंदा नहीं हो सकता। फिर भी बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, अगर ऐसा कहते कि तुम्हारा बेटा मर गया है वो फिर से जिंदा नहीं होगा, तो अगर आप नहीं तो दूसरे वैद्य के यहाँ जाएंगे, ऐसे वो जाते। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की उपचार करूँगा, मगर इसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, जाओ लेके आओ। एक मुट्ठी? हाँ अभी लेके आता हूँ। बुद्ध कहते हैं ऐसे परिवार से लाओ, ऐसे घर से लाओ जहाँ आज तक कोई मरा न हो। ऐसे परिवार से एक मुट्ठी सरसों लाओ जहाँ अभी तक कोई मरा न हो। ठीक है, वो जाती है कार में जाके एक मुट्ठी सरसों मांगते हैं। एक मुट्ठी तो कोई भी देता है। फिर बाद में पूछती है कि इस परिवार में कोई मरा है क्या? अरे क्या कहते हो, मेरे माताजी मरे हैं, मेरे पिताजी मरे हैं, मेरे दादाजी मरे हैं, मेरे दादी मरे हैं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरे घर। हर एक परिवार में कोई ना कोई तो मरा ही होता है। अगर कोई मरा ना हो तो वो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए। अगर माता पिता के कारण उसका जन्म हुआ हो तो कोई ना कोई मरा ही होगा। माता पिता दादा दादी, फिर दादा दादी के माता पिता, है ना? किसी का पति नहीं है, किसी का पत्नी नहीं है, किसी का बेटा नहीं, किसी का बेटी नहीं, किसी का माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का बहन नहीं, किसी का कौन, किसी का कौन। हर एक परिवार में कोई ना कोई मरा है। तो ये सुन सुन के कृष्णा गौतमी को बोध होता है, अरे सिर्फ मेरे बेटे ही नहीं, या हर एक परिवार में कोई ना कोई मरा है, जो जन्म होता है उसको मरना ही है। छोड़ो, मेरे बेटे भी मर गया है, अब इसे जिंदा करना नहीं। वो जाते हैं भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगते हैं, अपने बेटे का क्रियाकर्म करते हैं, और फिर से बुद्ध के पास आके भिक्खुनी बनता है, ज्ञान का अवबोध करता है, फिर संपूर्ण रूप से मुक्त अरहत ज्ञान निर्वाण ज्ञान तक प्राप्त करती है। तो इस तरह कब कहाँ कैसे कम का ज्ञान हम में आ जाए ये हम नहीं कह सकते, इसलिए थम्म का उपदेश सुनते रहना है। बुद्ध भी कहते हैं कालेन तम्म सवनं ये तम मंगलमुत्तम, ये बेला बखत में समय समय पे तम्म का उपदेश सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तम मंगलमुत्तम, ये समय समय पे तम्म का साकच्छा करना, तम्म का चर्चाएं करना, ये भी मंगल है। और यहाँ मंगल का मतलब केवल थोड़ी समय के लिए अच्छा होना, थोड़ी समय के लिए आनंद आना, ऐसा मंगल नहीं है। बुद्ध ने जिस मंगल का उपदेश दिया है अभी भी बाद में भी, इस जन्म में भी बाद के जन्म में भी, हर समय में जो अच्छा होता है ऐसा मंगल के विषय में बुद्ध ने उपदेश दिया। तो तम श्रवण करना मंगल है। ये तम का उपदेश सुनते हैं इसलिए पांच प्रकार का फायदा हमें होता है। अशुतंग सुनाती, कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। सुतंग परियोदपेति, जो सुना है वो भी कंठस्थ हो जाता है। कभी कभी जितना भी सुनो
ये है या नहीं, इसमें भी हम संदेह करने लगते हैं। अच्छा, ये हिंसा करना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं। तो हिंसा का मतलब क्या है? क्या है? हत्या। हिंसा का मतलब हत्या। और बोलो, हिंसा का मतलब और क्या होता है? हिंसा का मतलब चोरी करना, वो अलग हुआ। हिंसा, फक्त हिंसा। हिंसा का मतलब क्या है? मारना, हत्या करना और किसी को मारना, ये हिंसा है। किसी की हत्या करना, ये हिंसा है। मगर इस भ्रम में भी ना रहिए कि किसी को जान से मारना ही हिंसा है और दूसरा नहीं। हिंसा का मतलब ये है कि अपने शरीर से किसी को दुख पहुंचाना, ये हिंसा है। अपने ये वचन वाणी से किसी का हानि नुकसानी करना, ये हिंसा है। अपने मन से किसी का बुरा सोचना, ये भी हिंसा है। हिंसा का मतलब किसी को जान से मारना ही नहीं होता। बार बार तमदेशना सुनने से ऐसी बात कंठस्थ हो जाता है। और जो पंचशील का पहला शील क्या है? अधिना दान। पंचशील का पहला शील क्या है? पाणातिपाता वैरमणि शिखा पदं समाधयामि। इसका अर्थ क्या है? किसी भी प्राणी को नहीं मारने की सील अच्छी तरह से पालन करूंगा। ये जो पाणातिपाता, प्राणी को मारना, ये प्राणी हिंसा पूर्ण होने के लिए पांच अंग लगता है, मालूम है? जैसे दान पूर्ण होने के लिए तीन अंग चाहिए। तीन अंग परिपूर्ण होगा तब दान पूर्ण होता है। जैसे क्या क्या? दान पूरा होने के लिए तीन चीज़ें पूर्ण होना चाहिए। क्या क्या? क्या? अरे ये तो मालूम होना चाहिए ना। तीन अंग दान देने के लिए पूर्ण होना चाहिए। क्या क्या है? श्रद्धा, सिंपल सी बात है। खाने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाने के लिए मेहनत करना चाहिए, मुंह से अंदर जाना चाहिए, हो गया खाना पूरा। ऐसे ही दान के लिए तीन अंग पूर्ण होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले दान देने की श्रद्धा चाहिए, दान देने की इच्छा चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु होना चाहिए, है ना? दान देने की वस्तु नहीं है, मैं तो महल जैसा बिहार बना के दान देना चाहता हूँ, इच्छा रखने से क्या होगा, है ना? तो दान देने की वस्तु भी चाहिए। तो दान देने की इच्छा है, दान देने के लिए है, तो तीसरा चाहिए दान लेने वाला। दान लेने वाला भी कोई ना कोई चाहिए ना, कोई भी हो, दान लेने वाला भी चाहिए। ये तीन पूर्ण होगा तो दान पूर्ण होगा। तो वैसे ही पांच चीज पूर्ण जब होगा तब जाके प्राणी हत्या या पाणातिपाता माना जाता है। तो क्या क्या मालूम है? पांच अंग, पांच चीज, पांच संयोग, मालूम है? जैसे बताइए, एक दो तो आ ही जाएगा। क्या? देखिए, बार बार तम देशना सुनने से ऐसी चीज आएगा। अगर मैं आज आपको बता भी लूँ, बाद में ऐसा कुछ तो बताया था, हाँ भूल गया, आराम से
है ना, बार बार सुनेंगे तब जाके हमको आएगा। तो मैं बताता हूँ पांच चीज, पांच अंग। एक नंबर में जीवित प्राणी होना चाहिए। मारेंगे किसको? मरे हुए को मारते हैं क्या? नहीं, जीवित प्राणी। दो नंबर में जीवित प्राणी है ऐसा हमें भी मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तीन नंबर, वो जीवित प्राणी है उसको मारने की इच्छा, मारने की मनसाएं होना चाहिए। तीन, चार नंबर, मारने की मनसाएं के हिसाब से मारने की चेष्टा होना चाहिए, मारने की प्रयास होना चाहिए। चार, पांच, चेष्टा किया और वो मर भी गया तो वो हिंसा हो गया, वो हत्या हो गया। पांच आएगा क्या क्या बोलिए तो? जीवित प्राणी, जीवित प्राणी मालूम होना चाहिए, मारने की इच्छा होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और मरना चाहिए, ये पाना तिपाता है ना। तो बार बार काम देशना सुनने से ऐसी बहुत सी चीज कंठस्थ हो जाएगा, सुतंग परियोजन कंघम वितरती। मन में जो संदेह है, शंका उपशंका है, वो भी निवारण होगा। अपने आप को हम बौद्ध कहते हैं फिर भी बुद्ध तम संघ में हम संदेह करते हैं, तो बौद्ध हो गया क्या हम? पंचशील भी अरे ये ऐसा ही है करके हम पालन नहीं करते, तो बौद्ध हो गया क्या? है ना। तो बार बार तम देशना सुनने से ऐसा संदेह भी निवारण होता है। कंघं वितरति दिथिं उजुं करोति, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास हट जाता है और चित्तमसा पसीदति, अच्छे चीजों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, मन प्रसन्न होता है। इसलिए बुद्ध ने तम देशना सुना मंगल है कहा। अब देखिए हम धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिवस करके ये दिन भी मना रहे हैं, फिर भी हम धम्म के विषय में नहीं सुन रहे हैं, धम्म के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, फक्त बाबा साहब को माला अर्पण कर रहे हैं, बुद्ध को वंदना कर रहे हैं, क्या सही मायने में पूजा हो गया क्या? सही मायने में ये दिवस मनाया हुआ क्या? पूजा दो तरह का होता है, एक आमिष पूजा, दो प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा का मतलब है जो सामने हम फूल रख के अगरबत्ती मोमबत्ती अनेक फल फूल पैसा या ये वो रख के जो पूजा करते हैं, दान देते हैं, ये सब आमिष पूजा। और दूसरा है प्रतिपत्ति पूजा, बुद्ध ने जो कहा है उसे अच्छी तरह से समझ के अभ्यास करना, ये बुद्ध पूजा है। या पंते ने जो कहा है उसे मान के समझ के अभ्यास करना, ये पंते के प्रति श्रद्धा। तो अभ्यास करके जो पूजा करते हैं वो प्रतिपत्ति पूजा है। हम तम संकल्प गाथा लेते हैं ना, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजयामि। हम बुद्ध पूजा करते हैं मगर कैसे? तम अनुसार तम आचरण करके बुद्ध को पूजा करते हैं, तम को पूजा करते हैं, संग को पूजा करते हैं। फक्त ऐसे दिखावे की तरह नहीं। तो तम चक्र अनुप्रवर्तन दिवस पे तम के बारे में हमको आना चाहिए, नहीं आया तो सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और उसमें भी फिर से समझ में नहीं आया तो समझना चाहिए। सबसे पहले समझना चाहिए, समझने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसे अभ्यास करना चाहिए। अगर आप लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो क्या पालन करेंगे? अगर आप पालन ही नहीं करेंगे तो मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, कहाँ से मिलेगा?
क्या बाबा साहब प्रकट हो के मेरे भक्तों सब लोगों को लो सुख लो तथास्तु वरदान देगा क्या? अरे ये उपासक उपास का लोगों ने मुझे बहुत वंदना किया करके भगवान बुद्ध प्रकट होके वरदान देगा क्या? नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं केवल पथ प्रदर्शक हूँ, मार्गदर्शक हूँ, चलना खुद को है। तो बुद्ध ने सुख होने की, शांति होने की, आनंद होने की, परस्पर अच्छी तरह से जीवन बिताने की बहुत से उपदेश दिए है। फक्त हमें वो उपदेश सुनना है, अपने विवेक बुद्धि से परीक्षण करना है। अगर अच्छा है तो पालन करना है, अच्छा नहीं है तो अलग रखना है। फिर देखो सही मायने में सुख आता है या नहीं, सही मायने में हम सुखी होता है या नहीं। गणना से कुछ नहीं होगा कि मैं बिहार आया हुआ 20 साल हो गया, अरे मेरा जीवन पूरा बिहार में चला गया फिर भी सुख नहीं, कैसे सुख होगा? पालन तो करो, अभी बिहार आया हो अभी से सुख होने लगेगा। अगर बिहार भी ना आया हो वो ठीक से सील पालन करता हो तो भी सुख होगा। कि ये एक बार बिहार आया इसलिए इसको इतना सुख ले लो, ये 10 बार आया इसको इतना सुख ले लो, ये 100 बार आया लो इसे और ज़्यादा सुख, ये 1,00,000 बार आया इतना सुख लो ले लो, ऐसा होता है क्या? होता है नहीं। जो जितना अभ्यास करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा। तो सुख का कारण स्वयं है, दुख का कारण स्वयं है। अत्ता ही अत्नो नाथो, खुद का मालिक खुद ही है। कोई नाथो परोसिया, अपना मालिक दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सुख चाहते हो करो तुम, दुख चाहते हो करो तुम। माँ बाप पाप करेंगे हम दुखी नहीं होंगे, माँ बाप पुण्य करेंगे वो पुण्य हमको मिलने वाला नहीं है। खुद को सुख चाहिए खुद को ही करो, खुद को दुख चाहिए खुद ही करो, मिलेगा। तो ऐसे पवित्र दिन पे हम विहार में बैठे हैं। किच्छो मनुष्य पति लाभो किच्छो मच्छान जीविता, ये जो मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जी पाना ये दुर्लभ है। लोक में भगवान बुद्ध का उत्पन्न होना ये दुर्लभ है। और बुद्ध का शासन, बुद्ध का तम सुनना भी बहुत दुर्लभ है। संसार में ऐसे बहुत से तम होता है जिस तम में जितना मेहनत करो जितना अभ्यास करो दुखी होता है, पापी होता है। क्यों? क्योंकि धर्म शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध धर्म में थोड़ा भी मेहनत करो थोड़ा भी अभ्यास करो वहाँ बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। तो ऐसे लोक कल्याणकारी तम जो केवल अभी नहीं बीच में नहीं अंत तक कल्याण होने वाला, संपूर्ण दुख से मुक्त कराने वाला तम जो बुद्ध ने दिया वो हमें प्राप्त है। वो तम सुनने को मिल रहा है हमें कितने दुर्लभ की बात है, कितने भाग्य की बात है। संसार में अरबों खरबों लोग हैं जिसे आधे से ज़्यादा लोगों को तो बुद्ध मालूम नहीं है, और जिसने बुद्ध सुना है आधा से ज़्यादा लोगों को बुद्ध केवल वर्ड शब्द मालूम है, सही मायने में बुद्ध क्या है वो भी मालूम नहीं। और जिसने बुद्ध जाना है बुद्ध माना है आधा से ज़्यादा लोग तो बुद्ध ने क्या उपदेश दिया है उसे ठीक तरह से समझना है अभ्यास करना है ये करने वाले नहीं। और बुद्ध का उपदेश सुन के अभ्यास करना है ऐसे चेतना रखने वाला आधे से ज़्यादा नहीं।
और अभ्यास करने वाले तो नगण्य थोड़ा है। जैसे यहाँ इतने लोग जमा है ना, सब लोग क्या बुद्ध का उपदेश अच्छी तरह सुन के मैं अभ्यास करूँगा ऐसा अधिष्ठान करने वाले कितने लोग हैं यहाँ? हाथ उठाइए। कम है, बाकी तो ठहरो, अभी बिहार आना है, आ गया, उपदेश सुनना है, सुन लिया, घर जाएंगे, घर में ये काम है, वो काम है, इस काम है, उस काम है, सारा कर्तव्य है, वो करना है, वो करना, ये करना है, जब जब टाइम मिलेगा तब तब बिहार आएंगे, बुद्ध का उपदेश सुनेंगे, ऐसा ही नहीं ना, ऐसा ही है। जबकि हम बचपन से, जन्म से अपने आप को बौद्ध कहने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले, बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया उस दीक्षा को लेके हम बौद्ध मानने वाले, हम बौद्ध मानने वाले भी भगवान बुद्ध का उपदेश अच्छी तरह से सुनूंगा, उसे पहचानूंगा, अभ्यास करूंगा, ये हम में नहीं तो जो बौद्ध नहीं है वो क्या करेगा, वो क्या जानेगा, क्या पालन करेगा? इसलिए पालन करने वाले कम है, इसलिए जीवन में सुख भी कम ही है। एक बार बुद्ध ने सारे लोगों के सामने जमीन से थोड़ा सा धूल अपने नख में रख के पूछता है, हे बिच्छू, हे उपासक उपासिकाओं, देखो मेरे नख में जो धूल है ये ज्यादा है या पृथ्वी में पड़ा हुआ धूल ज्यादा है? कहाँ धूल ज्यादा है? हाँ, पृथ्वी में। सारे लोग बोलते हैं, अरे भगवान आपके नख में धूल तो क्या धूल है, दूसरा बाकी सारे पृथ्वी तो धूल ही धूल से भरा हुआ है, तो पृथ्वी में ज्यादा धूल है। एक छोटा सा पत्थर लेके पूछते हैं, देखो ये मेरे हाथ में जो पत्थर है ये बड़ा है या ये पहाड़ बड़ा है, पर्वत बड़ा है, क्या बड़ा है? हाँ, सब लोग बोलते हैं, ओ भगवान आपके हाथ में जो पत्थर है वो तो इतना सा है और पर्वत तो कितना बड़ा है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इस संसार में तम को अच्छी तरह से जानने वाले, तम को अच्छी तरह से पालन करने वाले सही रूप में ज्ञानी लोग मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सारे लोग अज्ञानी, बाकी सारे लोग सही तम को पहचान न सकने वाले, पहचान ना करने वाले ऐसे लोगों से भरा हुआ है। मानते हैं क्या आप लोग? मानते हैं? हाँ, अज्ञानी लोगों से भरा हुआ है, ज्ञानी लोग बहुत ही कम, तो बहुत ही कम ये ज्ञानी हमें भी बनना है, हम बन भी सकता है, बुद्ध का उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो आज के दिन में बुद्ध का उपदेश अच्छी तरह से जाने, पहचाने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म को जान के मान के दीक्षा लिया और लाखों लोगों को दीक्षा दिया, उस धर्म को सही रूप से हम भी जान सके, मान सके, पालन कर सके, ये जो दुर्लभ जीवन है, ये जो अमूल्य जीवन है, ये जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, फिर एक बार आप लोगों के जीवन में सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, मंगल हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करके, तम करके संपूर्ण दुख से निर्वाण प्राप्त हो। और जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमारे जीवन में बुद्ध, धम्म, संघ का
आशीर्वाद और आरक्षण हमेशा रहे, यही कामना करते हैं सब लोग। तीन बार साधुए सप्रीतियो विवजन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवद्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेण सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेण सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेण सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिसानित्यं वर्धापतायिनो चत्वारो धर्मा वर्तन्ते आयुवनं सुखं बलं आयुरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निर्वाणसम्पत्ति मिनाते समीधतु।